गुड आफ्टरनून मैम। चलिए आप लोग बुक में निकालिए पेज नंबर 544। पेज नंबर 544 मिला? 544 मिला बेटा? पेज नंबर निकालो जल्दी से। यस मैम। मिला ना? हाँ चलिए एग्जांपल नंबर वन देखते हैं। इवेल्युएट इंटीग्रल ऑफ e टू द पावर 10 इनवर्स x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर dx। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अपन मान लेते हैं लेट i इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ e टू द पावर 10 इनवर्स x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर dx। ठीक है, तो इसमें अपन मान लेते हैं किसको अपन मानेंगे t, tan इनवर्स x को। ठीक है, हम tan इनवर्स x को अपन t मान लेते हैं, है ना। तो लेट tan इनवर्स x इक्वल टू t, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, we get, है ना। तो अब अपन इसको क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। तो d by dx of tan inverse x equals to dt by dx, है ना। तो tan inverse x का फॉर्मूला क्या आ जाता है, 1 upon 1 plus x square dx equals to dt। ठीक है, तो इसमें अपन dx की वैल्यू क्या हो जाएगी, therefore dx equals to क्या हो जाएगा, 1 plus x square dt। ठीक है, dx की वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 प्लस x स्क्वायर dt, है ना। तो i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंटीग्रल ऑफ e टू द पावर 10 इनवर्स x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर dx इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ e टू द पावर t, t क्या है अपना, 10 इनवर्स x है। ठीक है, तो e टू द पावर t हो जाएगा, यानी t क्या है अपना, 10 इनवर्स x, है ना। तो ये हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ e टू द पावर 10x e टू द पावर t 1 upon 1 plus x square into 1 plus x square dt, है ना। ये क्या है, dx है, इसको हमने क्या है, dx की वैल्यू कितनी निकाली थी अभी, 1 plus x square into dt, है ना, dx equals to, तो ये वैल्यू को हम क्या करेंगे, dx को क्या है, ये वैल्यू को dt के फॉर्म में लिख देंगे। तो आपका 1 plus x square और ये वाला 1 plus x square पूरा कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो बचेगा क्या, इंटीग्रल ऑफ e टू द पावर t dt, है ना, e टू द पावर डी टी टी। अब देखिए यहाँ पे जो ये हो जाएगा e टू द पावर 10 इनवर्स x प्लस c हो जाएगा, है ना। तो देखिए ये e टू द पावर t क्या है, e टू द पावर t ही रहता है, इसका इंटीग्रेट करेंगे, है ना। तो अब t की वैल्यू हमने 10 इनवर्स x पुट कर दी है, तो ये आपका आ जाएगा इंटीग्रल ऑफ e टू द पावर 10 इनवर्स x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर dx इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, e टू द पावर 10 इनवर्स x प्लस c। यही क्या है आपका आंसर है। आंसर किस फॉर्म में लिखेंगे देखिए, इंटीग्रल ऑफ e टू द पावर 10 इनवर्स x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर dx इक्वल्स टू e टू द पावर 10 इनवर्स x प्लस c। इस टाइप के क्वेश्चन बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, आते ही चाहिए, है ना। प्लस c, c यानी इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट। अब देखिए एग्जांपल नंबर 2। ठीक है, एग्जांपल नंबर 2 क्या है आपका, इवैल्यूएट इंटीग्रल ऑफ 1 प्लस log x होल पावर 2 अपॉन x dx। ठीक है, तो अपन मान लेते हैं लेट i इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 1 प्लस log x होल स्क्वायर अपॉन x dx, है ना। तो पुटिंग 1 प्लस log x इक्वल्स टू t, हम 1 प्लस log x को अपन t मान लेते हैं। अब क्या करेंगे, दोनों साइड में अपन क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, है ना। तो d by dx ऑफ 1 प्लस log x इक्वल्स टू dt by dx, है ना। इसको क्या है, डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 प्लस log x का क्या आता है, 1 by x, है ना। तो ये हो जाएगा d by dx of 1 plus log x equals to क्या हो जाएगा, 0 plus 1 by x, यानी 0 हटा देंगे तो आपका 1 by x हो जाएगा, log x होता है ना, d by dx of log x equals to 1 by x equals to right hand side में हो जाएगा dt by dx, है ना। therefore dx equals to, dx की वैल्यू क्या हो जाएगी, x dt, है ना, dx equals to x into dt हो जाएगा। अब देखिए आपका जो i है इंटीग्रल ऑफ क्या है, 1 प्लस log x होल स्क्वायर अपॉन x dx इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इंटीग्रल ऑफ ये आपका हो जाएगा t स्क्वायर अपॉन t, रखेंगे ना 1 प्लस log x की जगह t रखेंगे, तो क्या हो जाएगा, t स्क्वायर अपॉन x इंटू dx की वैल्यू कितनी है, x dt, x x आपका कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, इंटीग्रल ऑफ t स्क्वायर इंटू dt। अब इसका इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, t क्यूब बाई 3 t square plus 1 upon 2 plus 1, है ना।
क्या हो जाएगा t टू द पावर 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 यानी t की पावर 3 अपॉन 3 प्लस c इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट है ना। अब t को हटा देते हैं है ना, तो t को हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, t की जगह आप 1 प्लस log x रखेंगे है ना, तो i इज इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस log x होल पावर 3 अपॉन 3 प्लस c। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। एग्जांपल फिर देखिए, इवैल्यूएट इंटीग्रल ऑफ x अपॉन e टू द पावर x x स्क्वायर dx। ठीक है, तो अपन इसको मान लेते हैं, लेट i इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ x e टू द पावर x स्क्वायर dx। ठीक है, अब अपन क्या कर देते हैं, पुट x स्क्वायर इक्वल्स टू t, x स्क्वायर को हम t मान लेते हैं। अब क्या करेंगे, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, d बाय dx ऑफ x स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 2x होगा, d बाय dx ऑफ x स्क्वायर क्या हो जाएगा 2x, और t का क्या हो जाएगा dt बाय dx। इससे अपन dx की वैल्यू निकालेंगे, dx इसका अपन क्या करेंगे, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो क्या हो जाएगा 2x dx इक्वल्स टू dt, देयरफॉर dx की वैल्यू कितनी आ जाएगी, dt अपॉन 2x है ना। तो अब देखिए, ये आपका i क्या है, इंटीग्रल ऑफ ये आपका है x अपॉन e टू द पावर x स्क्वायर dx, इसमें हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ x अपॉन t e टू द पावर t इनटू dt बाय 2x, x x आपका कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 1 बाय 2 को आप बाहर कर लीजिए, 1 बाय 2 इंटीग्रल ऑफ dt अपॉन e टू द पावर t। ठीक है, अब देखिए इसमें अपन क्या करेंगे, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1 बाय 2, जो e टू द पावर t है ना, इसको अपन न्यूमरेटर में ले जाएंगे, तो क्या हो जाएगा इंटीग्रल e टू द पावर माइनस t है ना dt। अब देखिए इसका क्या हो जाएगा, इंटीग्रल ऑफ e टू द पावर t का क्या होता है, इंटीग्रल ऑफ e टू द पावर t इज इक्वल टू e टू द पावर t ही रहता है, लेकिन अगर e टू द पावर माइनस t होगा तो इसका इंटीग्रल क्या हो जाएगा, माइनस e टू द पावर माइनस t हो जाएगा है ना। तो आपका हो जाएगा 1 बाई 2 इंटीग्रल ऑफ e टू द पावर माइनस t dt इक्वल्स टू माइनस 1 बाई 2, ये आपका बाहर है, ये e टू द पावर माइनस t, ये आपका माइनस ही सामने आ जाएगा प्लस c है ना। अब t की वैल्यू हटा दो है ना, तो क्या आ जाएगा i इज इक्वल टू माइनस 1 बाई 2 e टू द पावर माइनस x स्क्वायर, t की जगह अपन क्या रखे थे x स्क्वायर है ना, तो ये क्या हो जाएगा e टू द पावर माइनस x स्क्वायर प्लस c, यही आपका आंसर हो गया। क्लियर हुआ बेटा आपको, हेलो क्लियर हो रहा है ना? यस मैम। हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं, एग्जांपल नंबर 4, इवैल्यूएट इंटीग्रल ऑफ dx अपॉन x log x होल पावर m। ठीक है, लेट i इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ dx अपॉन x log x होल पावर m है ना, तो इसमें क्या है, log x को अपन क्या मान लेते हैं t है ना, तो डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो log x में क्या आ जाएगा 1 by x dx equals to dt, therefore dx equals to x dt है ना, 1 by x dx equals to dt हो गया, therefore x dx equals to x into dt है ना, तो क्या हो जाएगा i की वैल्यू कितनी हो जाएगी, i इज इक्वल टू आपका क्या है इंटीग्रल ऑफ dx अपॉन x log x होल पावर m है ना, तो इसमें देखिए इंटीग्रल ऑफ क्या हो जाएगा 1 अपॉन x x इनटू क्या हो जाएगा t टू द पावर m इनटू dx की वैल्यू कितनी है x dt, x x आपका कैंसिल, तो आ जाएगा इंटीग्रल ऑफ dt अपॉन t टू द पावर m। ठीक है, तो i इज इक्वल टू जी ये t है ना, इसको अपन न्यूमरेटर में ले आएंगे है ना, तो क्या हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ 2 टू द पावर माइनस m, नीचे आपका प्लस m है, ऊपर आएगा तो माइनस m हो जाएगा dt। अब ये क्या हो जाएगा, फिर अपन फॉर्मूला लगाएंगे है ना, इंटीग्रल ऑफ a टू द पावर t का है ना, तो क्या हो जाएगा a टू द पावर t प्लस 1 अपॉन t प्लस 1 है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा t टू द पावर ये माइनस m है, माइनस एम प्लस वन अपॉन माइनस एम प्लस वन प्लस सी इंटीग्रेटिंग कॉन्स्टेंट है ना, ये क्या हो जाएगा, ये वाले को हम क्या करेंगे टी की पावर वन प्लस एम लिख सकते हैं है ना, और नीचे को क्या लिखे वन प्लस पॉजिटिव को पहले लिख लिए है ना, तो क्या हो जाएगा टी की पावर वन माइनस एम अपॉन वन माइनस एम प्लस सी है ना, तो आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा टी, टी कितना है आपका लॉग एक्स है, अपन ने माने थे ना log x equals to t, यही t की वैल्यू हम यहाँ पुट कर देते हैं है ना, तो i is equal to हो जाएगा log x whole power 1 minus m upon 1 minus m plus c, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब अपन को क्या करना है, एग्जाम्पल नंबर 5, ठीक है, इवेल्युएट इंटीग्रल ऑफ log x whole square upon x है ना,
तो ये अपन मान लेते हैं लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ लॉग एक्स होल पावर टू अपॉन एक्स टी एक्स. अब क्या मान लेते हैं, इस लॉग एक्स को अपन टी मान लेते हैं, है ना. तो पुटिंग लॉग एक्स इक्वल्स टू टी डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या आ जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स इक्वल्स टू डी टी बाई डी एक्स, है ना. अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो लॉग एक्स का क्या होता है, वन बाई एक्स होता है, ये डी टी बाई डी एक्स हो गया है, है ना. तो इससे क्या हो जाएगा आपका, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो डी एक्स इक्वल्स टू एक्स डी टी हो जाएगा, है ना. तो डी एक्स की वैल्यू एक्स स्क्वायर है मैम, कैसे करेंगे उसको, कैसे हटाएंगे. हाँ, तो स्क्वायर तो आपको वो रहेगा ना, अपन टी मान ले तो टी स्क्वायर हो जाएगा, अपन लॉग एक्स को टी माने हैं ना, तो इंटीग्रेट जब अपन करेंगे डी एक्स की वैल्यू आपका एक्स डी टी आ गया, है ना. उसके बाद में आप देखो ना इंटीग्रल ऑफ ये आपका टी स्क्वायर हो जाएगा, लॉग एक्स है ना टी की जगह, तो हो जाएगा टी की पावर टू होगा अपॉन यस मैम जो है ये, और dx की जगह x dt रख देंगे. dx की वैल्यू अपन यही पे जब डिफरेंशिएट करते हैं ना वहीं से dx की वैल्यू निकालना, और जहां पे इंटीग्रेट करते हैं ना वहीं पे dx की जगह dt के फॉर्म में कन्वर्ट कर देना, और जो कटता है काट दो, बचे हुए को आप इंटीग्रेट कर दो, बहुत इजी पड़ता है बेटा, ठीक है. इस हिसाब से करने से ठीक है, अपन को कुछ भी टी मानना ही पड़ता है, टी मानने से ही बनेगा. तो देखो ये आपका हो जाएगा एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो इंटीग्रल ऑफ टी स्क्वायर डी टी हो गया, है ना. तो ये क्या हो जाएगा आई इज इक्वल टू, अब इसको क्या है, इसको आप इंटीग्रेट करोगे तो क्या हो जाएगा टी की पावर टू प्लस वन थ्री हो गया, है ना, अपॉन टू प्लस वन वो भी थ्री हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा टी की पावर थ्री अपॉन थ्री प्लस इंटीग्रेटिंग कॉन्स्टेंट से, है ना. तो आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब टी की जगह वैल्यू पुट कर दो, लॉग एक्स होल पावर थ्री अपॉन थ्री प्लस सी, आपका यही आपका आंसर हो जाएगा. टी इज इक्वल टू लॉग एक्स अपन माने थे ना, वही है. अब जितने भी है ना क्वेश्चन ऐसे ही बनते जाएंगे. अब देखिए एग्जांपल नंबर सिक्स देखो, इवेल्युएट इंटीग्रल ऑफ साइन ए एक्स प्लस बी इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी डी एक्स. अब देखो इनमें से अपन क्या मान लेते हैं, लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ साइन ए एक्स प्लस बी इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी डी एक्स, ठीक है. अब पुटिंग साइन ए एक्स प्लस बी को अपन टी मान लेते हैं, है ना. अब डिफरेंशिएट बोथ साइड करेंगे तो साइन का क्या आता है, कॉस आ जाएगा, है ना. और ये आपका साथ में जो एक्स के साथ में जो रहता है ना वो सामने आ जाता है ना, तो क्या हो जाएगा साइन का cos ax plus b into a, है ना. ये क्या हो जाएगा dt by dx, है ना. तो इससे अपन क्या करेंगे dx की वैल्यू निकालेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे अपन, तो क्या आ जाएगा dx into a cos ax plus b equals to dt, therefore dx equals to क्या आ जाएगा dt upon a cos ax plus b होगा, है ना. तो i is equal to क्या आ जाएगा, तो आ जाएगा टी अपॉन ए, यानी वन बाई ए बाहर आ जाएगा, इसको आप यहाँ भी लिख सकते हैं इंटू टी डी टी, है ना. टी का क्या आ जाएगा टी स्क्वायर बाई टू, वन बाई ए सामने कॉन्स्टेंट है, तो I is equal to हो जाएगा 1 by a t square by 2 plus c, है ना. तो अब t की वैल्यू पुट कर दो, I is equal to sin a x plus b square है, है ना, square हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा sin square a x plus b upon 2a होगा plus c, ठीक है. अब देखिए आगे example number 7, evaluate integral of x square sin x cube dx, है ना. तो I is equal to क्या हो जाएगा integral of एक्स स्क्वायर साइन एक्स क्यू डी एक्स, ये अपन आई मान लेते हैं, है ना. अब देखिए टी मानेंगे अपन, टी किसको मानेंगे भाई, देखो एक्स स्क्वायर को क्या मानेंगे, एक मिनट, हाँ. तो इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर साइन एक्स क्यू, ये साइन एक्स क्यू वाला है ना, इसको अपन टी मानेंगे, तो लेट एक्स क्यू इक्वल्स टू टी, है ना. इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, अपने को उसको टी मानना है जो आपका क्या है बचे हुआ जो रहेगा ना वो आपका कैंसिल हो जाए, जो कैंसिल होगा उसी को ही अपन को टी मानना है, ऐसे करना है कि वो बचा हुआ आपका पूरा कैंसिल हो जाए और एकदम शॉर्ट फॉर्म में आ जाए, ठीक है. तो अब देखिए आपका क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब को अपन टी मानते हैं, तो डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा थ्री एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू डी टी हो जाएगा, है ना. ये अपन ऐसे बोल सकते हैं थ्री एक्स स्क्वायर इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स, है ना. तो डी एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, डी एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, डी टी अपॉन थ्री एक्स स्क्वायर होगा. तो i इज इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पे
एक्स स्क्वायर साइन एक्स क्यूब है ना। तो देखिए आपका जो वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए कॉपी में बता देती हूँ आपको, यहाँ देखिए एग्जाम्पल नंबर 7, यहाँ पे देखिए जरा बेटा, आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, फिर से देखो इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर साइन एक्स क्यूब डीएक्स, यहाँ पे देखो बेटा ठीक है। तो अपन मान लेते हैं लेट आई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन एक्स क्यूब है ना, तो लेट एक्स क्यूब इक्वल्स टू टी, इसको डिफरेंशिएट करेंगे है ना, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या आ जाएगा 3x² इक्वल्स टू dt बाय dx होगा ठीक है। अब देखिए इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा 3x² dx इक्वल्स टू dt, देयरफॉर dx इक्वल्स टू क्या आ जाएगा dt अपॉन 3x² ठीक है। dx की वैल्यू कितनी आएगी, dt अपॉन 3x², देयरफॉर I इज इक्वल टू क्या है आपका, इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर साइन एक्स क्यूब डीएक्स है ठीक है। तो क्या हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर रखो, साइन एक्स क्यूब की जगह अपन टी माने हैं और डीएक्स की वैल्यू कितनी है डी टी अपॉन 3x² ठीक है। आई समझ में, अब देखिए ये क्या हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ, अब देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर कैंसिल, तो क्या आ जाएगा साइन टी डी टी और ये 1/3 है, ये आ गया आपका है ना। तो अब देखिए इसका ये हो जाएगा 1/3 को अपन सामने ले लेते हैं, कॉन्स्टेंट है सामने आ गया, हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ साइन टी डी टी। अब साइन टी का क्या हो जाएगा आपका 1/3, साइन टी का क्या है आपका देखो एक बार और बता दूंगी, साइन टी का क्या होता है माइनस कॉस टी प्लस सी है ना। तो क्या हो जाएगा माइनस 1/3 कॉस टी की वैल्यू कितनी है एक्स क्यूब प्लस सी, वेयर टी इज बिकॉज टी इज इक्वल टू एक्स क्यूब है ना। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। तो आंसर कैसे लिखेंगे, इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर साइन एक्स क्यूब डी एक्स इक्वल्स टू माइनस 1/3 कॉस एक्स क्यूब प्लस सी ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। क्लियर हुआ बेटा आपको, हेलो समझ में आया। ये देखिए यहाँ पे अपन का एग्जांपल नंबर 7 में इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर साइन एक्स क्यूब डीएक्स है ना। तो लेट अपन क्या मान लेते हैं एक्स क्यूब, इसको अपन टी मान लेते हैं है ना, लेट एक्स क्यूब इज इक्वल टू टी, तो डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या हो जाएगा 3x² इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किए तो क्या आ जाएगा 3x² डी एक्स इक्वल टू डी टी, देयरफॉर डी एक्स इक्वल टू डी टी अपॉन 3x² है ना। तो i कितना हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर साइन एक्स क्यू डी एक्स, इसमें देखो इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर रहेगा, साइन एक्स क्यू की जगह हम टी रखेंगे क्योंकि हमने टी माना है ना एक्स क्यू को, इंटू ये डी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई है डी टी अपॉन 3x², यहाँ पे हमने डी टी बाई 3x² कर दिया। अब एक्स स्क्वायर कैंसिल है ना, और आपका आ जाएगा बचेगा इंटीग्रल ऑफ साइन टी डी टी अपॉन 3, ये 3 आपका बाहर आ जाएगा ये साइन के पहले इंटीग्रल के सामने आ जाएगा, तो इसको हम लिखेंगे 1/3 इंटीग्रल ऑफ साइन टी डी टी। अब इसके लिए हम फॉर्मूला लगा देंगे तो क्या हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ साइन टी डी टी की वैल्यू क्या होती है, इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स डी एक्स कितना होता है माइनस कॉस एक्स है ना, तो इसको हम लिख देंगे माइनस कॉस टी प्लस सी है ना। तो क्या हो जाएगा इस माइनस साइन सामने आ जाएगा माइनस 1/3 कॉस एक्स क्यूब प्लस सी, जहाँ पे हमने टी इक्वल टू एक्स की पुट कर दिया है ना, ये टी की जगह हमने एक्स की पावर 3 रख दिए, तो क्या हो जाएगा यही आपका आंसर है। तो इसका आंसर कैसे देंगे, इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर साइन एक्स क्यूब डी एक्स इक्वल्स टू माइनस 1/3 कॉस एक्स क्यूब प्लस सी ठीक है। ये आपका एग्जाम्पल नंबर 7 हो गया, हमने एग्जाम्पल 1 से लेकर 7 तक पूरा कंटिन्यू किया है। अब आप लोग होमवर्क में कितना करोगे, एग्जाम्पल्स देखो ये 8, 9, 10 ये सब आपका हो जाएगा यहाँ पर, देखिए एग्जाम्पल नंबर 20 तक आप लोग ट्राई करना ठीक है, एग्जाम्पल 20 तक आप लोग ट्राई करोगे, उसके बाद में कल अपन आगे बनेंगे ओके। कोई डाउट है आपको, हेलो
कोई डाउट है कि नो मैम, हाँ तो नो मैम, अपन यहीं पे क्लास को स्टॉप करते बेटा, ठीक है, ओके, क्लासेस ओवर.